गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, इट इज योर मैथ्स पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 14.2। ठीक, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। सभी लोग अपने पेंसिल बॉक्स में एक प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल, रबर, स्केल, इतनी चीज़ें आपके बॉक्स में होनी चाहिए। ठीक, उसको लेकर के आपको बैठना है। ठीक, कब किसकी आवश्यकता कहाँ पर आ जाए। ठीक, जिसकी आवश्यकता जहाँ पर आएगी उसका प्रयोग वहाँ पर करना है। ठीक, तो सभी लोग अपने पेंसिल बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर बैठेंगे और अपनी कापी निकालेंगे। कापी में आज की डेट डाल देंगे 4 फरवरी 2022। क्लास वर्क लिख देंगे और एक्सरसाइज 14.2 ये ब्लैक पेन से आप लोग लिख देंगे। ठीक, इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी पर ब्लैक पेन से उतारेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये ब्लैक से लिखेंगे और इसके आगे भी ब्लैक से लिखेंगे। ड्रॉ DRAW, ड्रॉ लाइन सेगमेंट LINE लाइन SEG MENT लाइन सेगमेंट ऑफ द EHE द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग लेंस LENGTH इन योर योर एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज DOOK। ठीक, जो नीचे लाइन सेगमेंट दी गई है इनको आपको अपनी एक्सरसाइज बुक में खींचनी है, ड्रा करनी है। ठीक, तो एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। जब हम लाइन ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं पेपर पर, तो हमें सबसे पहले पेंसिल और स्केल, इन दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो सभी लोग अपनी इन दोनों चीजों को निकाल लें। ठीक, निकालने के बाद सबसे पहला क्या है, ए नंबर लाइन सेगमेंट LINE लाइन SEG MENT लाइन सेगमेंट GH इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आपको पेपर पर बनानी है। तो हमने क्या किया, स्केल लिया और पेंसिल ली। अब स्केल को हमने अपनी कॉपी पर ऐसे रख दिया, रखने के बाद में 1 से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6। 6 पर पहुंचने के बाद जो छोटे छोटे खाने दिए गए हैं, ठीक भाई, 6 तक तो पहुंच गया। अब 0.6 और पहुंचना है, तो 0.6 पहुंचने के लिए वो जो 6 और 7 के बीच में जो खाने दिए गए हैं छोटे छोटे वाले, उनको गिनेंगे। कहां तक गिनेंगे, 6 तक गिनेंगे। 0.6 दिया है ना, तो 6 खाने गिनेंगे। तो ठीक 6 के बाद 1 2 3 4 5 में थोड़ी सी लंबी लाइन है और उसके बाद है 6, वहां तक हमको लाइन खींचनी है। तो वहां एक पॉइंट लगाएंगे 1 नंबर वाले पे और 6.6 वाले पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और इस लाइन को हम इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। ये लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। पहला एंड पॉइंट क्या है, जी, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, एच। और ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है, ये है
सेंटीमीटर का है। समझ में आ गई। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिए बी नंबर है। बी नंबर में क्या लिखा हमने, एल आई एन ई लाइन, एस ई जी एम ई एन टी लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये दूसरा रेखाखंड हमको बनाना है। दूसरा रेखाखंड भी लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट भी ठीक पहले वाले की तरह से बनाना है। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। इसको हमें बनाने के लिए स्केल को उठाया हमने और पेपर पर रख दिया, कॉपी पर उसको रखा हमने। अब जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर एक पॉइंट लगाए। ठीक, स्केल रखा हुआ है, हमने पेंसिल से पहले 1 वाले नंबर पर पॉइंट लगाया और 7 सेंटीमीटर का हमको लाइन सेगमेंट खींचना है। 1 से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाकर के हमने टिक लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को ऐसे मिला। ठीक, ये हमारा जो लाइन सेगमेंट बना ये कितने का बना, इसका नाम है ए। पहला एंड पॉइंट क्या है, ए, और इस लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट है बी। और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको अपनी कॉपी पर आगे के रेखाखंड बनाने हैं। ठीक, ये आपका एसडब्ल्यू है। इस प्रकार से आप अपना रेखाखंड बनाएंगे। सी नंबर, लाइन सेगमेंट एस ई जी एम ई एन टी लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने आपको समझाया है लाइन खींचना, ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। बी नंबर, एल आई एन ई लाइन एस ई जी एम ई एन टी लाइन सेगमेंट सी बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ई नंबर, एल आई एन ई लाइन एस ई जी एम ई एन टी लाइन सेगमेंट पी क्यू पी क्यू इज इक्वल टू 15.1 सेंटीमीटर। इसके बाद एफ नंबर है, एल आई एन ई लाइन एस ई जी एम ई एन टी लाइन सेगमेंट ई एफ, ई एफ है 10.2 सेंटीमीटर। ये 4 क्वेश्चंस हैं लाइन सेगमेंट आपको कॉपी पर ड्रॉ करनी है। ठीक, इनको आप ठीक प्रकार से बनाएंगे कॉपी पर जैसे